आप देख सकते हैं मक्का है, मक्का को इसके नाप से सीख के नाप से काट लेंगे, इतना काट लेंगे। इतना काटने के बाद मक्का छोटा मक्का के जो दाने हैं इसमें सीख में फंसा देंगे। देखिए मक्के को काट लिए, अब इस सीख में इसको इस तरह से फंसा देंगे। सकते हैं पानी बॉयल होने के लिए चाहती हैं, पानी बॉयल होने के बाद हम सीख डालेंगे इसमें, जिससे देख सकते पानी बॉयल हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जब तक ये सीजन आ जाए, तब तक इसमें हम उबालते रहेंगे। मेरा मक्का होने वाला है, जो सीख मक्का डाले थे और होने वाला है, उतार कर ठंडा होने के लिए थोड़ा देर। देखिए हो गया है, और इसको निकाल के प्लेट में ठंडा होने के लिए दे देंगे। इसको फ्रीजर में ठंडा होने के लिए थोड़ा देर देते हैं। मैंने लहसुन ले लिया, मैं एक मिर्ची ली है, जीरा लिए हैं और थोड़ा गोलकी ले लिया, गोलकी मेरे पास पीसा हुआ था, पाउडर बना हुआ था, उसको सबको पीस लेंगे। फॉर्चून का बेसन लिया है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसमें बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा बेसन डाल रहे हैं देख लीजिए, और मसाला इसमें मिक्स कर लेंगे। हल्दी हमने ऊपर से लिया है, हल्दी पाउडर मेरे पास था तो इसलिए ऊपर से लिए हैं। देखिए हमने मसाला इसमें लगा दिया है, तेल भी गर्म लगभग हो गया है, इसमें हम डालते हैं, हमने इसमें डाल दिया है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके निकलने के बाद तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है सीख, जो मक्का में डाले थे सीख मक्का, अब हम इसको खाने चलें।